बना रहे हैं, आज हम कार्बोनारा बना रहे हैं, फ्राइड कॉलीफ्लावर। ठीक है जी, ठीक है। रजाना से बोल रही हूँ, रजाना। क्या जी? रजाना टोबा टेक्सिंग से आ गया ना, रजाना। समझ नहीं आ रहा क्या? रजाना वो टोबा टेक्सिंग से आ गया ना, उन्हें पता नहीं चला, मैंने बताया। क्या बोल रही है? होल पे रहिए और मेरी डायरेक्टर साहिबा से बात करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा से। अच्छा जी, कॉलीफ्लावर कार्बोनारा शुरू करने से पहले मैं देखिए मैंने क्या किया था। सिर्फ मक्खन पिघला दीजिए, उसमें एक प्याज डाल दीजिए और उसको आप हल्का सा सॉटे कर लीजिए और फिर आप जाइए ब्रेक की तरफ। दूसरे जो अज्जा हैं उसके बारे में भी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है एनेक्स की तरफ से आज ट्रैवल केटल डीलक्स ट्रैवल केटल, तो फिर आप जल्दी से 888-1 पे हमें बताएंगे गोभी से बनने वाले रेसिपीज के नाम। इसके साथ साथ हम आज वाउच 365 के कूपन बुक्स भी दे रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आ शो। डालेंगे लहसुन, 2-3 जवे लहसुन के चॉप करके डाल दीजिएगा। प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, इस तरह की कॉन्टिनेंटल डिशेज़ में, इटालियन डिशेज़ में बिल्कुल अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आप डालेंगे 2 छोटी कॉलीफ्लावर, मुझे मिली थी तो मैंने 2 छोटी गोभी, फूल गोभी ले ली थी। इसको अच्छी तरह पहले इसमें सॉटे करिएगा मक्खन प्याज और लहसुन के साथ। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा कम, इसलिए कि हम सूप डालेंगे इसमें। 2 मैंने स्टॉक क्यूब्स यूज़ किए थे चिकन के। आप वेजिटेरियन हैं, चिकन स्टॉक क्यूब नहीं खाते हैं, तो वेजिटेबल के भी स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं। सो नमक की मिकदार कम रखिएगा। इसके साथ साथ आप इसमें डालेंगे दूध। पहले हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, इफ़ वी नीड वील एड मोर, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। बंद कर दें, ढक्कन ढाँक दें। मीनवाइल आप वहाँ देख सकते हैं कि मैंने रेडी करके रख दिया है हमारा मैंगो ट्राइफल। तो मैंने वाइट चॉकलेट ली थी, उसको चॉप कर दिया था एक पैन में डाल के, क्रीम के साथ उसका हमने गनाश बना दिया। हल्की आंच पे रखिएगा ताकि चॉकलेट बिल्कुल भी जकड़ ना जाए। बहुत हीट, जब भी चॉकलेट को बहुत हीट लगती है, वो बेशक वाइट हो, डार्क हो कि मिल्क हो, ठीक है, क्या होता है कि वो जकड़ जाती है, फिर वो पिघलती नहीं है। तो उसको हल्की आंच पे आप गनाश बनाएं जब भी, तो हल्की आंच पे पिघलाएं। और अगर आप चॉकलेट और क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ चॉकलेट अलग से पिघला रहे हैं किसी और रेसिपी के लिए, तो याद रखिएगा कि उसको आप हमेशा डबल बॉयलर पे करेंगे, यानी कि पानी होगा एक सॉस पैन में और उसके ऊपर एक बोल रखिएगा जिसमें आप फिर वो चॉकलेट को पिघलाएंगे। मैंने चूंकि इसको डायरेक्टली सॉस पैन में यूज़ किया है तो उसमें अंदर क्रीम भी था। सना है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने पहले भी कॉल की थी? जी पहले भी कॉल की थी, ड्रॉप हो गई। ओके, चलिए आप लकी हैं कि अभी आपको दोबारा कॉल लग गई आपकी। जी फरमाइए। जी बिल्कुल, बहुत मजे का फैंटास्टिक शो जा रहा है। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि अभी आजाद कश्मीर में क्या है वेदर? मौसम आज तो धूप निकली है, बहुत अच्छी थी। मौसम अच्छा था? अच्छा, यहाँ तो भाई बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी। नहीं, यहाँ पे धूप दिल चाह रहा है कि धूप, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर बहुत बारिश रही है। ओके, दिल कर रहा था कि मोटे वाले कंबल। ओके जी, और गोभी से बनने वाले रेसिपी के नाम भी बता दीजिएगा। अच्छा सोचिए। मैसेज कर दीजिएगा 888-1 पे, आई थिंक कॉल इज नॉट वेरी क्लियर। अच्छा, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मैंने मैंगो ट्राइफल के लिए क्या किया था। मैंगो केक ले लें, वेनिला केक ले लें, इस तरह स्लाइसेस में काट लें या आप उसको चॉप कर दें छोटे क्यूब्स में। मैंने स्लाइसेस में अंदर ही मैंगो को छुपा दी है, नज़र नहीं आ रही, और मैंगो के क्यूब्स कर दीजिएगा। उसमें आप डालिएगा थोड़ा सा ब्राउन शुगर और लेमन का जूस, आधे लेमन का जूस, और उसको मिक्स करके रख दीजिएगा, थोड़ी सी सॉफ्ट जैसी हो जाएगी मैंगो, ठीक है। नहीं करना है उन्हें करिए, प्लेन मैंगो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने क्रीम व्हिप करके रख दिया, उसमें थोड़ा वेनिला एसेंस डाल दिया। फिर जो केक था उसको लेयर करिया पहले, उसके अंदर मैंने ये मैंगो डाल दी, उसके ऊपर आपने वो वाइट चॉकलेट और क्रीम वाला गनाश डाल दिया, उसके ऊपर क्रीम डाल दिया, और फिर ऊपर लास्ट में हेज़लनट्स या मैकेडेमिया नट्स या बादाम कुछ भी, और थोड़े से चंक्स वाइट चॉकलेट के और आम, दैट्स इट। रिदा है बुरेवाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुरेवाला से मुझे याद आया, बहुत सालों पहले एक शो हुआ था, हम भी बुरेवाला आए थे एक दिन के लिए।
जी था बुरे वाला जी, फरमाइए आपके सवाल का जवाब देना जी था। जी जरूर जी। मसालेदार गोभी, तंदूरी गोभी, आलू की गोभी और मतलब आलू गोभी, ठीक है ठीक है, और गोश्त गोभी, ठीक गोभी के पराठे, क्या गोभी के पकौड़े, चीज गोभी, ओके ठीक है नोट कर दिया है। कुछ लोगों को गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा इसमें दूध के अलावा हमें सूप भी डालना है, सो फिर मैं थोड़ा सा सूप रहने देती हूँ, जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तब हमें सूप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा फिर क्या जाएगा इसमें, एंड में हम हरा प्याज पूरा फोल्ड इन कर देंगे, ये बेक पार्लर की स्पगेटी जो बॉईल करके रखी है वो छान ली थी मैंने, पानी वानी निकाल दिया था, इसमें थोड़ा सा आप तेल डाल के रख सकते हैं शाताश कुकिंग ऑयल, एंड ऊपर से हम इसमें डालेंगे पार्मेजान चीज़ विच इज़ दिस वन, ग्रेट किया हुआ पार्मेजान चीज़ पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, ओके। चलिए सो यहाँ इसको पकना है अच्छी तरह, इसलिए ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान मैंने रेसिपी बनाई है वेजिटेरियंस के लिए। थोड़ा सा मक्खन गरम करिएगा, पिघल जाए तो उसमें आप प्याज डालिएगा स्लाइस करके, लहसुन के जवे दो तीन डाल दीजिएगा स्लाइस करके, फिर उसमें फूल गोभी डालिएगा, दूध और ये सूप गया है अभी तक, नमक हमने डाला है, दैट्स इट। फिर जब ये पूरा पक जाएगा तो हम ब्लेंडर में डाल के इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे, इसीलिए मैंने पूरा सूप नहीं डाला है, बिकॉज वी वॉन्ट टू वेट कि बहुत सारा सूप ना पहले चला जाए, बहुत पतला ना हो जाए, अगर हमें पतला करना होगा तो मैं बकिया सूप डालूंगी। सो अगर आपको जीतना है ट्रैवल केटल एनेक्स की तरफ से, जो आप लेके जा सकते हैं अपने सूटकेस में रख के जब आप हॉलीडेज़ पे जाएं, या फिर अगर आपको जीतना है कोई वाउच 365 की किताबें, इतने सारे शहरों में अब तो हमारे मुल्क में ये दस्तयाब है, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, और हमारे शो पे बहुत सारे SMS करिए 8881 पे अपने फ़ोन से और बताइए। वेलकम बैक, क्या किया था हमने ब्रेक में, जब ये कॉलीफ्लावर पक गई थी तो ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर दिया था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पूरा नहीं यूज़ किया है क्या कहते हैं सूप, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि कितना ये गाढ़ा होगा, अगर ये बहुत गाढ़ा है पूरा कॉलीफ्लावर जो हमने पीस लिया है तो ज़ाहिर है फिर वो मिक्स नहीं होगा ना सूप के साथ स्पगेटी के साथ, सो फिर हम इसमें यही सूप डालेंगे। और स्पैचुला से इस तरह करिए, बहुत गर्म होगा, बी वेरी केयरफुल, फिर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका लगेगा ऐसे जैसे वाइट सॉस है, बट इट्स नॉट अ वाइट सॉस, ये पूरा कॉलीफ्लावर है पका हुआ। अब इसमें हम डालेंगे हरा प्याज, दो तीन हरे प्याज, थोड़ा सा पार्मेजान चीज़, और ये जो हमने बेक पार्लर की स्पगेटी बॉईल की थी वो, नाउ मिक्स एवरीथिंग। बस फोल्ड करिएगा, बहुत ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करिएगा वरना फिर स्पगेटी पास्ता जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो टूट सा जाता है ना, सो जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। अगर आपको लगे कि ये कम है इसमें सॉस और स्पगेटी जो है वो काफ़ी ड्राई है, तो फिर आप इसमें ये थोड़ा सा सूप डालिए, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले सूप पूरा नहीं डाला था, नाउ यू गॉट इट। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स और ये ट्रैवल केटल एनेक्स की तरफ से, जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए गोभी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये देखें, कैन यू सी दिस, मिक्स हो गया सब कुछ, डन, कहानी ख़त्म।